हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, वेलकम है आपको मेरे चैनल पर, जिसमें कि मैं आपके लिए नई नई और बहुत ही इजी जो है कारामद जो वीडियो उसमें लाता रहता हूं और उम्मीद है आपको पसंद भी आती होंगी। तो आज जो मेरी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और जिसमें कि आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी पिक का, अपनी ज़ाती पिक का जो है बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड हो उसका, वो उसको रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, और अपनी वीडियोस के अंदर उसको लगा सकते हैं, ऐसी वीडियोस के अंदर, ऐसी जिनका बैकग्राउंड आपको पसंद हो और आप अपना, अपनी पिक का वो बैकग्राउंड जिसके अंदर वो ओरिजिनल है वो हटाना चाहते हैं, हटाकर उस बैकग्राउंड में आप उसको लगाना चाहते हैं। तो जी हाँ, बहुत ही ईजी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसके ज़रिए कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस एप्लीकेशन को पसंद करता हूँ उसका नाम है पिक्सल लैब। जी हाँ, पिक्सल लैब का मैं, ये आसानी से जो है अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, और मैं इसका लिंक जो है अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, और इस पिक्सल के बहुत ज़्यादा जो इसके एडवांटेजेस हैं और इसके बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए और भी आप कुछ इसमें करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत ही जल्दी आपको बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप अपने तरीके से उसको, जो मेरे स्टेप हैं उसको फॉलो करके अपने आराम से आप अपने इस अपनी जो पिक है उसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरी इस वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली बहुत ही इजी जो है ना एप्लीकेशन जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो आइए चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ, मानी टेक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन पिक्सल लैब, जो मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है। तो ये देखिए, पिक्सल लैब यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं इसको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ, पिक्सल लैब। इसको हम ओपन करेंगे सिंपली। तो यहाँ पर देखिए, ये एक ग्रीन कलर की जो है स्क्रीन ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के दी हुई है। यहाँ पर ये देखिए न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसको डिलीट कर देना है। ये डिलीट के ऑप्शन सबसे ऊपर, लास्ट के ऊपर, टॉप के ऊपर ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए स्क्रीन जो है वो साफ़ हो गई है। और अब यहाँ पर हमने वो बैकग्राउंड, एक कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ये देखिए कि ऑलरेडी एप्लीकेशन के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फ्री वाले जो बैकग्राउंड दिए हुए हैं, आप इनमें से भी कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं जो है जाऊंगा अपने पर्सनल जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं बैकग्राउंड उसके अंदर। तो मैं ये टॉप के ऊपर प्लस के निशान को प्रेस करूंगा तो ये देखिए ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं जाऊंगा फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम गैलरी को जब क्लिक करूँगा तो मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कहाँ मैंने वो बैकग्राउंड जो है डाउनलोड किए हुए हैं। तो मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पर ये देखूँगा कि कौन सा मुझे बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ये देखिए बहुत सारे मैंने ये फ्री ऑफ कॉपीराइट जो है ये बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, फर्स्ट करें मैं एक ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो ये देखिए, ये पहाड़ है बैक साइड के ऊपर और ये बीच में जो है समंदर है, दरिया है, पानी है। तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर इसको मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये जो वाइट कलर के जो डॉट्स हैं इसकी मदद से आगे पीछे ऊपर नीचे डाउन मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इसको, ओके कर दूँगा। तो ये देखिए उसी ग्रीन स्क्रीन पर ये आ चुकी है। यहाँ मैं इसको इस पूरी स्क्रीन के ऊपर डाल दूँगा। ये देखिए मैंने वाइट डॉट की मदद से इसको ड्रैग करके पूरी स्क्रीन पर ले आया हूँ। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी वो पिक लेकर आनी है जिसको, जिसका बैकग्राउंड मैंने चेंज करना है। तो मैं दोबारा से यहाँ प्लस के ऑप्शन में जाऊँगा, फिर गैलरी में जाऊंगा। तो जहां पर मैंने अपनी पिक्स डाउनलोड की हुई हैं मैं उस फोल्डर में जाऊंगा। तो ये देखिए कैमरे के अंदर गया तो यहां पर मैंने कुछ पिक्स जो है वो डाउनलोड की हुई हैं, खींची हुई हैं अपनी। तो यहां पर मैं कोई भी एक पिक ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक ये पिक ले लेता हूं। तो ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूं, ये सीधी हो गई। यहां मैं इसको क्रॉप करके
उतना हिस्सा ले लेता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। तो मैंने ये क्रॉप करके इसको मैंने डॉट्स की मदद से क्रॉप किया और उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए ये आ चुकी है यहाँ पर। अभी बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ, मैंने इसके यहाँ पर फिर वही स्टेप रिपीट करना है। यहाँ पर मैंने इसको फिर इस पूरी स्क्रीन पर लेके आना डॉट्स की मदद से ड्रैग करके। तो ये देखिए मैं इसको जब प्रेस करूँगा तो ये पूरी स्क्रीन पर आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि इसका इसको मैंने अब बैकग्राउंड चेंज करना है, मीन्स कि जो पीछे जो बैकग्राउंड रह गया उसको मैं आगे लेके आना है। तो मैं ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है नीचे, सबसे एक ऑप्शन है यानी कि आप कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, सेंटर का ऑप्शन है, फिर ये डबल स्क्रीन का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल राइट करूँगा, लेफ्ट करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इरेज कलर। मैंने इसको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इनेबल नहीं हुआ भाई, इसको मैंने इसको इनेबल कर लाया है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको इनेबल कर दिया और फिर मैंने ये जो एक सेंटर, ये कुछ ऑप्शन यहाँ नीचे खुल गए हैं, प्लस है, लेफ्ट है और राइट साइड पे माइनस है, राइट है, फिर एक सेंटर में ऑप्शन है नंबर वन, सेंटर का जो ऑप्शन है नंबर वन और ये साथ ही ब्लू में बना हुआ है ब्रश। अब इन दोनों का काम रह गया है तो मैंने क्या करना है, नंबर वन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने अपनी इस पिक का जो है कैंसिल करूँगा। मैं देखूँगा कि यहाँ देखिए कि मेरी जो बैकग्राउंड है इस पिक का वो कलर है लाइट ग्रे। तो मैंने यहाँ पर ये जब मैंने ऑप्शन को क्लिक किया नंबर वन को, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे सेंटर में जो है ये कलर आ गए और ये तीन पट्टियाँ हैं नीचे। मैंने क्या करना है, इनमें से ही कोई एक थोड़ा सा ड्रैग करके मैंने अपना कलर सेलेक्ट करना है। देखिए ऊपर जो सबसे टॉप के ऊपर छोटा सर्किल है उसमें कलर चेंज होता जा रहा है, देखिए। तो मैं इसको उस कलर पे ले आऊँगा जो मुझे मेरी एक्चुअली बैकग्राउंड पिक का है। तो मैंने यहाँ ला के इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इतना है तो मैंने इसको ला के छोड़ दिया और ओके किया। ओके करने के बाद ये देखिए ये सेंटर में से नंबर वन के बराबर में जो एक ऑप्शन है ब्रश बना हुआ है छोटा सा, मैंने इसको क्लिक किया और ये देखिए मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे इस एम्प्टी जो एरिया है जहाँ कलर का, वहाँ मैंने इसको बैकग्राउंड पर छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया तो ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखिए बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज तो हो गया लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ और भी इसमें, अगर आप को सही नहीं लग रहा कहीं कमी है, कहीं कलर ज़्यादा है, कहीं कम है, तो ये देखिए नीचे ऑप्शन है टॉलरेंस और स्मूथ एजिस। आप इसको भी यहाँ पर प्लस माइनस करके घटा बढ़ा सकते हैं और इसको प्रेस करके यहाँ से ग्रीन वाले डॉट को हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं खुद। तो ये देखिए मैं जितना आगे करूँगा ये देखिए और भी, पहले ये देखिए जितना मैंने लेफ्ट किया था तो ये दरख्त मुझे जो इसकी जो ग्रीनरी है वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको राइट पे किया तो ये देखिए और भी ग्रीनरी नज़र आती गई। तो ये देखिए यहाँ लाके मैंने इसको छोड़ दिया तो देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है इसका कलर चेंज हो चुका है और पिक का जो है बैकग्राउंड भी ऑलरेडी चेंज हुआ। ये देखिए मेरे चेहरे पे कुछ कलर नज़र आ रहा है। तो हम दोबारा से इसको वन पे जाएंगे और थोड़ा सा इसको फिर और डार्क करने की कोशिश करेंगे, करने के बाद इसको ओके करेंगे तो ये देखिए काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो चुका है। तो दोस्तों देखिए कि इस तरीके से मैंने अपना बैकग्राउंड ऑलरेडी चेंज कर लिया है। अब अगर मैं चाहूँगा कि इसको मैं अपने जो जहाँ मैं साइज़ चेंज करना चाहूँ इसका, तो मैं साइज़ इस तरह चेंज कर सकता हूँ कि ये देखिए वीडियो के पहले मैंने यहाँ इसको क्लिक करके ओके कर दिया, उसके बाद मैं ये राइट टॉप के ऊपर जो थ्री डॉट नज़र आ रहे हैं इस पर जाऊँगा और यहाँ पर इमेज साइज़ पर जाऊँगा और इमेज साइज़ के बाद ये कस्टम पर जाऊँगा और यहाँ देखिए ये डिफरेंट कलर के टाइप के ऑप्शन जो आ गए आपके पास, किस चीज़ के लिए आपको ले चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर के लिए चाहिए, यूट्यूब चैनल बैनर के लिए चाहिए, यूट्यूब थंबनेल के लिए चाहिए, फेसबुक कवर आर्ट। तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यूट्यूब थंबनेल के लिए जाना है, इसको मैं इसको क्लिक किया 16.9 और ओके कर दिया तो ये देखिए उसी साइज़ के मुताबिक ये ऑलरेडी थंबनेल चेंज हो चुका है। तो
देखा फ्रेंड्स मैंने किस तरीके से बैकग्राउंड ऑलरेडी चेंज कर दिया। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम इसको शेयर करके इसको हम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ थ्री डॉट पे दोबारा जाऊँगा तो ये पूछ रहा है एक्सपोर्ट इमेज। जब हम एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जिसमें कि मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी पिक का जो है बैकग्राउंड जो है बहुत इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, वो भी पिक्सलैब एप्लीकेशन के ज़रिए। और न सिर्फ ये कि आप अपनी पिक का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बल्कि किसी और की भी पिक का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं और उसको फिर कहीं पोस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप किसी और की वीडियो किसी और की पिक को भी इसी तरीके से करके इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर देंगे कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी। जी हाँ, और इस वीडियो के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वो वीडियो और आने वाली ऐसी और भी इजी वीडियो जो है आपको बआसानी ऑटोमेटिकली पहुँच सके। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर किसी और सब्जेक्ट पे मेरी वीडियो।